देखूंगा आगे देखूंगा सर, पीछे देखता हूँ जो किंग है। अच्छा सर, सबसे पहले तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला। बोल रहा वहां देख फिर मैं यहाँ देख। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा बोल दे। अच्छा नहीं नहीं बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। अच्छा नहीं मैं, अच्छा ठीक है, जहाँ आवाज आती मैं वहाँ देखता हूँ। ओके चलेगा। अच्छा फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, खास करके कबीर का जो किरदार है आपका, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिले खास करके? सबसे पहले तो ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का किरदार है और जिसने अभी तक नहीं देखी है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो बचपन से मैं हमेशा विलेन लोग का फैन रह चुका हूँ। इनफैक्ट जब शत्रुघ्न सिन्हा जी रामपुर के लक्ष्मण में आते थे तो मैं सीटी बजाता था, प्राण साहब, जीवन साहब, प्रेम चोपड़ा, और फिर फाइनली मुझे मौका मिला टू बी अ विलेन। जो रिएक्शन मुझे मिले थोड़े डरावने रिएक्शन मिले, बिकॉज मुझे याद है मैं पिक्चर देख रहा था पीवीआर जू में, मेरे बगल में दो लेडीज़ बैठी थी, दोनों ही उठ के चली गई। इनफैक्ट उनको डर लगने लगा कि चंकी पांडे कुछ कर ना दे उनको, बट भाई ये मैं फिल्म में कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा डरावना हूँ फिल्म में, लोग मुझे स्लाइमी कह रहे हैं, घिन आ रही लोगों को, लेकिन क्या करूँ, अब मेरे अंदर वो शैतान छुपा हुआ है और वो शैतान आप लोग को नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। इनफैक्ट मैं इतना हैप्पी हूँ बिकॉज मेरे शादी के 19 साल हो गए हैं, 19 साल के लिए मैं अपनी बीवी से डरता था, अब फाइनली मेरी बीवी मुझसे डरने लगी है, तो आई एम हैप्पीली मैरिड। हाँ मैं विद्या जी के वैन में घुस गया था, झारखंड में शूटिंग कर रहे थे और देख के वो चिल्ला ही एकदम, ये कौन घुस गया इसमें चंकी, और उन्होंने मुझे वो गेटअप में देखा था तो भी उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। भाई देखो डायरेक्टर का तो पहला ही ब्रीफ यही था कि ये कैरेक्टर करने के लिए आपको चंकी पांडे को खोना पड़ेगा। ऐसे भाई 50 साल से चंकी पांडे मेरा दोस्त है, उसको मैं कैसे खोऊं? और चंकी पांडे की पहचान उसके लंबे लंबे बाल जुल्फे हैं, पहले उसको उड़ाते हैं, तो ठीक है मुंडवा दिए बाल, मुंडन बचपन में नहीं किया था, अभी बुढ़ापे में जाके मुंडन हो गया मेरा। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो तेरे आईब्रोज भी उड़ा देते, मैं बोला भाई सब कुछ कर दिया वो मत करना, और बनियान धोती पहना के मुझे झारखंड लेके गए शूटिंग में, और मैंने बहुत कोशिश की मैं बहुत बड़े विलेन की एक्टिंग करूँ, नाक टेढ़ा करने लगा, आँख छोटे करने लगा। उसने बोला तू कुछ मत कर, ये जो कैरेक्टर मैं चाह रहा हूँ ये तेरे अंदर छुपा है, फिर मैं बहुत बड़ा विलेन है तू जानता नहीं है, और बाय गॉड मैंने कोई मेहनत नहीं की, बस जो अंदर आया मैंने कर किया और वो सब नज़र आ रहा है अभी स्क्रीन पर, इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा है अपने आप से। राइट, इसके अलावा हमने आपको कॉमिक किरदार करते हुए देखा और विलन के किरदार, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा आपके लिए, कॉमिक किरदार करना या विलन का किरदार करना? देखो विलन बहुत ईजी आ गया मुझे, तो मैं सोचता हूँ विलन ईजी था, कॉमेडी ऐसी चीज़ होती, कॉमेडी राइटिंग के ऊपर डिपेंड होती है, कितना अच्छा स्क्रिप्ट हो, कितने अच्छे आपको डायलॉग्स मिले, और फिर ठीक है, आई मीन कॉमेडी में आगे वाला एक्टर को बहुत अच्छा रहना पड़ता है, बिकॉज तभी आपको आपकी टाइमिंग आती है और सब कुछ होता है, लाइक गोविंदा, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ मौका मिला, अनिल कपूर के साथ, यू नो टू डू ऑल दी